मध्य प्रदेश के सतना में बीते 6 मार्च को हुए एक और हत्या और लूट के मामले में फरार एक आरोपी को एमपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में अलीगंज हाईवे पर हुआ, जहां सुबह करीब 4 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ये गोलीबारी एमपी पुलिस और कुख्यात बदमाश आनंद सागर के बीच हो रही थी, जिसमें कुछ ही देर बाद एमपी पुलिस की गोली से आनंद सागर वहीं ढेर हो गया। इस ऑपरेशन में एमपी पुलिस को जौनपुर पुलिस से पूरा साथ मिला। एनकाउंटर के बाद खून से लथपथ बदमाश को जौनपुर पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीते 6 मार्च को एमपी के सतना स्थित सर्किट हाउस चौक पर सेंट्रल बैंक में 5 नकाबपोशों ने फिल्म स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां एक नकाबपोश ने आते ही सेंट्रल बैंक में धनराशि जमा करने पहुंची भाटिया ग्रुप के कैशियर संजय सिंह की कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने वैन में रखे 15 लाख रुपए लूटकर चंपत हो गए। इस लूटकांड में सुभाष यादव गैंग का नाम सामने आया। एमपी पुलिस मामले की जांच में जुटी तो उस गैंग के सदस्य आनंद सागर की लोकेशन जौनपुर में मिली, जिसके बाद एमपी पुलिस ने जौनपुर पुलिस से सहयोग लिया और मुखबिर की सूचना पर बदमाश आनंद सागर को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। जनपद में जो भी आपराधिक तत्व हैं, उनका चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो विगत अभी कुछ समय में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें सुभाष यादव गैंग पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, तो उनके द्वारा जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में जो अभी तक जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा आपराधिक वारदातें की गई हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। जौनपुर पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर हुआ है, जबकि 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ में जिस आनंद सागर को पुलिस ने ढेर किया, उसके खिलाफ यूपी से लेकर एमपी तक आपराधिक मामले दर्ज थे। एमपी पुलिस ने आनंद सागर के खिलाफ 30,000 के इनाम घोषित कर रखा था, जिसे एपी पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में जौनपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पंजाब केसरी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।